बिग बॉस 16 से निकल के टीना दत्ता के जो करियर है उस पे रीस्टार्ट या फिर वो दोबारा से अपना करियर लॉन्च कर सकती हैं, क्योंकि उनको दो तीन बड़े बड़े शोज मिले ऐसा बहुत सारी खबरें फैल चुकी थी। जब वो बिग बॉस के अंदर थी तो एक खबर फैल गई थी कि चारू और दुर्गा में नजर आने वाली हैं, लेकिन इसके बाद जब घर के बाहर आई तो कुछ किसी तरीके की कमेंट्री नहीं करी, इंटरव्यूज दिए लेकिन अपनी जितना भी स्टैंड लिया उसमें खड़ी रही, किसी भी पार्टी में नजर नहीं आई, किसी तरीके से किसी से इंटरैक्ट नहीं किया। अब वो एटीट्यूड कहिए या खुद को ब्रांड प्रूफ करने की इच्छा कहिए, जो भी है, लेकिन उन्होंने अपने आप को हमेशा ही इन लोगों से जिनसे उनकी नहीं बनती, जिनसे उनको बातचीत नहीं करनी, उससे अलग रखा। और अब टीना दत्ता के हाथ में काफी बड़ा शो लग चुका है जो कि सोनी टीवी पे आएगा। ये जानते हैं क्या है शो का नाम, उनके को एक्टर कौन रहेंगे। मेरे साथ यानी अडमा के साथ ओनली ऑन टेली खजाना। बिग बॉस 16 के घर से निकल के सबको कुछ ना कुछ काम मिला। शालीन भनोट जो कि टीना के काफी करीबी दोस्त रहे और उसके बाद काफी करीबी दुश्मन, अब वो बेकाबू में नजर आने वाले हैं। और टीना दत्ता के नाम पे एक कोई टर्किश शो है जिसका नाम है फातिहा हरीबी, कुछ इस तरीके का नाम है, बहुत ही कंफ्यूजिंग नेम है। और उसका रीमेक करने वाले हैं। प्रोड्यूसर कौन है, डायरेक्टर कौन है, इसका भी पता नहीं चला है, लेकिन सोनी टीवी पे ये शो आने वाला है। साथ ही में इनके को एक्टर की बात करें तो जय भानुशाली इनके को एक्टर होंगे और जल्द ही ये शो टेलीकास्ट हो जाएगा सोनी टीवी पे। हालांकि टीना दत्ता ने इस चीज़ की अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं दी है, लेकिन सोशल मीडिया पे हर जगह यही न्यूज़ फैल रही है कि इस तरह शो के रीमेक में ये नज़र आएंगी। किस तरीके से क्या फॉर्मेशन होती है, क्या रोल होता है, ये भी अभी क्लियर आउट नहीं हुआ है, लेकिन ये बातें फैल चुकी हैं कि इनको एक शो मिल चुका है। इससे पहले खतरों के खिलाड़ी ये ऑलरेडी कर चुकी हैं, लॉकअप में नज़र नहीं आएंगी, एक रियलिटी शो कर लिया है और उसमें उनकी काफ़ी चीचा लेदर दिखी और ऐसी कि उसके बाद किसी कंटेस्टेंट से ये कि कोई किसी तरीके का कांटेक्ट नहीं रखना चाह रही हैं, शायद फॉलो भी नहीं करती हैं किसी को और ना ही किसी से कोई मतलब रखती हैं। तो इस तरीके के एटीट्यूड के साथ दोबारा किसी रियलिटी शो में जाना उनकी ही करियर के लिए अच्छा नहीं है। बाकी बात करें तो बेकाबू का पहला प्रोमो 30 सेकेंड का आउट हो चुका है, जिसमें शालिन भनोट का जो लुक है वो अटायर है बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। सुपर नेचुरल पावर्स पे है, एकता कपूर को अधिकतर इस तरीके की चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, तो लड़की के पास भी एक सुपर नेचुरल पावर है और लड़के के पास भी सुपर नेचुरल पावर है। बहुत अच्छा सा सेटअप बना रखा है, बहुत अच्छी लाइटनिंग है, हर चीज़ बहुत अच्छा है। स्टोरी लाइन पर अभी ज़्यादा बातचीत नहीं हुई है, रक्षक हैं भक्षक हैं क्या हैं शालिन भनोट ये भी क्लियर नहीं है, लेकिन एक तरीके की लव स्टोरी भी देखने को मिल सकती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए टेली खजाना। अगर अभी तक आपने टेली खजाना को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करिए। थैंक यू।